दोस्तों यह है पोको की तरफ से पोको M3 जो भाई एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। जैसे भाई अगर इस प्राइस रेंज में आप गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये स्मार्टफोन आप सभी के लिए भाई बेस्ट रहेगा, क्योंकि भाई इसमें 662 का स्नैपड्रैगन देखने को मिलेगा जिससे भाई आप इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से गेमिंग कर सकते हैं। तो मैं आज आप सभी के सामने गेमिंग टेस्ट इसमें करके दिखाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ भाई कि इसमें गेमिंग करते समय ये स्मार्टफोन हीट होता है कि नहीं होता है, ये सभी मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। तो भाई गेम थ्रू करने से पहले बता दूँ कि इसमें जो भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिया गया है, जैसे कि 6 GB रैम साथ में 128 GB इंटरनल स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 662 का, ये सभी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में काफ़ी बेस्ट है। चलो हम शुरू करते हैं गेम को। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पबजी को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर जो भाई जैसे कि ये स्मार्टफोन जो है ना पोको M3, ये गेमिंग के लिए उतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है जैसे कि अगर आप किसी स्मार्टफोन के कंपेयरिंग करें, जैसे कि IQ के साथ में अगर कंपेयर करें तो IQ का स्मार्टफोन ज़्यादातर गेमिंग स्मार्टफोन आता है। तो उस हिसाब से भाई ये स्मार्टफोन का वीडियो काफ़ी उसके हिसाब से काफ़ी लो क्वालिटी है। और तो जैसे भाई यहाँ पर हमने पोको M3 में गेम ओपन कर लिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं गेमिंग भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी इसमें ग्राफिक दिखाई दे रहा है। तो भाई ग्राफिक भी काफ़ी तगड़ा है और साथ में जैसे कि अगर हम भाई बात करें इसके जायरो का, तो यहाँ पर जायरो जो दिया गया ना भाई, जायरो काफ़ी ज़्यादा मतलब लो है। जैसे आप केवल गेमिंग के लिए इसे बाय कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसे बिल्कुल बाय ना करें। उसके बाद में जैसे अगर आप इसमें TDM खेलेंगे भाई, TDM के लिए बेस्ट है। जैसे हल्का फुल्का गेमिंग 1-2 घंटा के लिए गेमिंग कर रहे हैं तो भाई आप इसे ले सकते हैं। अगर लगातार 3-5 घंटा अगर भाई गेमिंग करेंगे इस स्मार्टफोन में तो हीट तो ज़रूर होगा, क्योंकि इसमें 3 लेयर या 4 लेयर ऐसे कुछ करके इसमें आपको कूलिंग सिस्टम मिलेगा। तो ये कूलिंग सिस्टम उतना ज़्यादा आपको मतलब इसमें कंट्रोल नहीं कर पाएगा और तो कि आपका मोबाइल हीट ना हो, ये हीट तो होगा ही क्योंकि अगर लगातार गेमिंग करेंगे तो हीट की समस्या कुछ ज़्यादा होगी। और जैसे अगर देखा जाए जायरो की तरफ से तो जायरो जो है ना थोड़ा लेग करके चल रहा है। जैसे जायरो जो है ना करके अगर ऊपर नीचे करोगे ना भाई तो यहाँ पर जायरो काफ़ी स्लो ऑपरेट होता है और काफ़ी स्लो होके जो हमारा ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर भाई देखा जाए जायरो के हिसाब से अगर आप जायरो करके इस खेलते हैं ना तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल ना लें, क्योंकि भाई ये जायरो के लिए बेस्ट नहीं है। अगर आप फ्री फायर या फिर पबजी लाइट खेलने के लिए स्मार्टफोन ज़्यादातर यूज होता है, तो भाई स्नैपड्रैगन ज़्यादातर पबजी के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है तो इसके हिसाब से ये बेस्ट है। तो भाई हमने इसमें ज़्यादा कुछ वीडियो बड़ा नहीं बनाया और ना ही ज़्यादा इसमें कुछ खेल के दिखाया है, हमने थोड़ा बहुत खेल के बता दिया है। और जैसे कि अगर हीट की बात करें ना कि इसमें हीटिंग कितना होता है, तो इसमें हीटिंग की समस्या थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि ये हीट कर रहा है भाई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस प्राइस रेंज में भाई तो प्राइस रेंज के हिसाब से ये बेस्ट है, आप इसे बाय कर सकते हैं। और जैसे अगर लगातार गेमिंग करना चाहते हैं तो इसे बिल्कुल बाय ना करें। और भाई अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत कहीं पर भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।